आगरा के छिपिटोला में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग की धर्म सभा का लाभ समूचे नगर के भक्त उठा रहे हैं। इसके साथ ही देश भर से आने वाले गुरु भक्त परिवारों को मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आगरा के छिपी टोला स्थित पारस धाम में विशाल धर्म सभा का आयोजन हो रहा है। हजारों सौभाग्यशाली भक्त प्रतिदिन गुरु भक्ति का आनंद उठाने के लिए मुनिवर के प्रवास स्थल पर एकत्रित होते हैं। 15 दिसंबर को पारस धाम में मुनि पुंगव श्री के मंगल प्रवचन का शुभारम्भ प्राची जैन ने मंगलाचरण के साथ किया। कहानी है तू तेरी चर्या पार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। छिपिटोला मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। साथ ही भक्तों ने मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष शास्त्र भेंट की। इसके बाद श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती छिपिटोला के पदाधिकारियों ने मुनि पुंगव श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर शीतकालीन वाचना के लिए निवेदन किया। प्रवचन हेतु अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। वहीं लोकोदय तीर्थ के लिए वीरेंद्र कुमार जैन लाल जी ने 100 कलश की भूदान राशि एवं लोकोदय तीर्थ के ट्रस्टी बनाने का निर्णय लिया, जहां छिपी टोला मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने इनका दुपट्टा एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा और मन प्रसन्न हो गया। मेरा तो विचार है कि दिन और रात तरक्की हो लोकोदय की, और भी धन इकट्ठा हुआ तो वो भी वहीं जाएगा। हाँ, ऐतिहासिक जरूर है, क्योंकि जितनी भीड़ महाराज जी के दर्शन के लिए आती है उतनी पहले कभी नहीं देखी। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने आए ललितपुर मंदिर निर्माण कमेटी के जिनेंद्र कुमार जैन ने अपने भाव व्यक्त किए। हमारे यहाँ जो है नया मंदिर बन रहा है, नए ललितपुर में उसका कार्य करवाना है, निर्माण कार्य महाराज जी के कार्य हेतु महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए हैं, और बढ़िया हमारा मंदिर बने ऐसी हम लोगों की भावना है। साथ ही भागोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टी नरेंद्र कुमार जैन ने गुरुवर से मंगल आशीर्वाद पाकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। गुरुवर के उद्देश्य ये था यहाँ आने का कि गुरुवर की जो वाणी है और आशीर्वाद है वो जो हम लोगों को हमारे उस तरफ ईसरवारा के हमारे गुरुजी हैं और बुंदेलखंड में जो बहुत रहे हुए हैं, वो विद्यासागर महाराज का जो सागर क्षेत्र है, भागोदय तीर्थ कमेटी जो है उसके हम ट्रस्टी हैं, और इस कारण से जो है गुरुजी का आशीर्वाद लेने जहाँ भी गुरुजी रहते हैं साल में एक आध बार उनकी इच्छा होती हम लोगों की कि उनका आशीर्वाद लें और अपना जीवन धन्य करें। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगा कि मतलब गुरुवर का कुछ बहुत ही अच्छा सानिध्य में हम ये कार्य कर रहे हैं, और बहुत ही इमोशनल भी हो गई थी मैं, अच्छा लगा बहुत। इस दौरान ललितपुर दमोह कटनी सागर से आए गुरु भक्तों ने मुनि पुंगव श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्म सभा के बाद भक्तों ने गुरु भक्ति का आनंद उठाते हुए गुरुदेव का पूजन करते हुए शुभ तत्वों के अर्घ गुरुवर के समक्ष अर्पित किए। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पित प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा।